बुधवार को दरभंगा जिला भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीना प्रसाद के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन दरभंगा के नाका नंबर 5 मिश्र टोला आजाद चौक के पास किया गया। इस मौके पर मीना प्रसाद ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर विधानसभा में जो बात कही वह इतनी शर्मनाक है कि उसे हम बोल भी नहीं सकते। एक मुख्यमंत्री के इस तरह के बोल कैसे हो सकते हैं? उन्होंने सारी महिला जाति को अपमानित किया है, इसके लिए हम कभी भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। इस मौके पर जिला महामंत्री बीना मिश्रा, मीडिया प्रभारी सविता प्रसाद, पूर्व नगर अध्यक्ष अमृता मिश्रा, उमा देवी, नीलम देवी, ममता देवी, साक्षी देवी, गीता देवी समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। महिला मोर्चा आक्रोश होकर उनका पुतला जाऊंगा कहां पर? शीतकालीन जो चल रहा है अभी विधानसभा में, उसमें वो इनका जो भाषा है, आचरण है, ये महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं है। और ऐसा तो कोई आज तक सीएम किया नहीं होगा, बोला नहीं होगा, और बोलने में तकलीफ महिलाओं को और शर्म भी हो रहा है। हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ऐसा उच्चारण किए हैं ये। इन आक्रोश में हम महिलाओं दरभंगा की आक्रोश में नीतीश बाबू पलटू बाबू का पुतला दहन। कहाँ पर? आजाद चौक दरभंगा। क्या नाम हुआ आपका? बीना मिश्रा, जिला महामंत्री। पलटू बाबू हैं जो बिहार के सरकार हैं, उनका हम लोग आक्रोशित होके पुतला दहन आज किए हैं, क्योंकि महिला के सम्मान नहीं कर सकते हैं वो, इसीलिए अपमान करने के लिए हम उनका पुतला दहन किए हैं। आज विधानसभा में ऐसी वाणी बोले हैं नीतीश जी जो शर्मनाक है। एक पुरुष के लिए हमारे मिथिला में, हमारे बिहार में महिला का सम्मान किया जाता है, लेकिन वह विधानसभा में ऐसा गलत उच्चारण किए हैं। क्या उनके पास माँ नहीं है? वो भी एक माँ से जनी हुई है, और माता के लिए, एक बहन के लिए इतना सभ्य क्या समझ रहे हैं वो अपने आप को? नीतीश सरकार संभल जाओ, हम महिला आपको बहुत झेल चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको जल्द से जल्द कुर्सी छोड़ना होगा। नाम बताइए। मीना प्रसाद, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, भाजपा बिहार दरभंगा।